मैं उस पुस्तक मिल का आजीम करीम मेजबान, मेरा नाम है सोहेल और मैं आप सभी का तहदिल से इस्तकबाल करता हूँ मेरे चैनल सोहेल डी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग जाने वाले सी एस टी और ब्लॉग में बने रहिए, आज बहुत सरप्राइज है आप लोगों के वास्ते, वीडियो में बने रहिए और वीडियो बने रही है। तो दोस्तों मैंने सोचा कि हमको सिंगल टिकट निकालना है, पर हमारे जो महान ज्ञानी भाई है उन्होंने रिटर्न की जगह सिंगल टिकट निकाल दिए, और अब क्या बोलूँ, वहाँ से आने के टाइम पे भी टिकट निकालना पड़ेगा, तो तुम समझ सकते हो मैं कितना मुसीबत में हूँ। पहले टाइम हो जाएगा मेरे को आने के लिए। और हमारे भाई दिशान भाई, और व्हाट्सअप बोल दो व्हाट्सअप। हाँ दिशान भाई हमारे थोड़ी गलती कर दी, जान दो अब क्या करते। चलो मिलते तुम आओ को फिर ट्रेन के अंदर। फाइनली तुम्हारा भाई पहुंच चुका है सी एस टी, और इस कुछ टाइप से ट्रेन में जा रही है। तो आपको सी एस टी का थोड़ा मंजर बता देता हूँ कैसा है, किस टाइप का नहीं है। तो एक और एक बार हम लोग आ चुके हैं सी एस टी, और तुम्हारे भाई के पीछे क्या क्या है तुम लोग को तो पता ही है। और अब हम लोग जाने वाले हैं, थोड़ा फोटोशूट करते हैं, और जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो उससे पहले इंस्टाग्राम के ऊपर ये वीडियो और फोटो सब अपलोड हो जाएंगी। तो आप लोगों से गुजारिश है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मुझे, बिकॉज आप पहले ही फ़ोटो देख लेंगे तो आपको फ़ायदा है। तो चलिए अभी फ़ोटोशूट करते हैं, और हम लोग को जाना है अभी बैक जोन, तो बोरा बाज़ार की तरफ निकल चुका हूँ। दोस्तों ढूंढते ढूंढते तुम्हारे भाई को बैक जोन मिल चुका है। अभी मैं तुम्हारे को बाहर से बताता हूँ बैक जोन किधर साइड है किधर साइड नहीं। तो देखो दिख रहा है वो इधर बी और एम लिखे हुआ है ना, वही बैक जोन है, उसके सेकंड फ्लोर पर जाना है हमें। बैक जोन कुछ सेकंड फ्लोर के ऊपर है, और तुम्हारा भाई बैक जोन ही जा रहा है। तो बताता हूँ तुम्हारा वो बैक जोन किधर साइड है। बहुत दिनों के बाद रशीद भाई के पास, और मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, इसके पहले आया था पर रशीद भाई की दुकान मुझे मिली नहीं। तो अभी थोड़ी रशीद भाई से बात कर लेते। हाँ रशीद भाई आपने मेरे को क्या दिया? हमने बहुत डिस्काउंट में इसको मोबाइल अडाप्टर दिया है। हाँ और रशीद भाई ने भाई बहुत डिस्काउंट में दिया, और आप लोगों को भी अगर चाहिए तो मैं दुकान का एड्रेस नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना वीडियो को। और बस यार मैं फ़र्स्ट टाइम बना रहा हूँ दुकान में एकदम। हमारे भाई ने कुछ इस टाइप से लिया है मोबाइल होल्डर, वो भी जुलानसी का, जो मेरा सपना था लेना, और अभी हम आएंगे तो और चीज़ लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो अभी हम लोग शायद गलत रास्ते से जा रहे हैं, ऐसा जाना चाहिए। तो दोस्तों हम लोग ने कुछ इस टाइप से हम लोग रशीद भाई से बात करी, मेरे साथ मेरा भाई है फुल सपोर्ट कर रहा है मुझे। तो अभी हम लोग देखेंगे फैशन स्ट्रीट जाने की तरफ रास्ता, और देखते हैं कैसे है कैसे नहीं। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से हम लोग ने एफ एस जाने का सोचा था, एफ एस तो जाएंगे ही, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ने सोचा रात होने से पहले फ़ोटो खींच लेते थोड़ा आगे। तो मेरे पीछे है मुंबई का सी एस टी, ये वाला भी सी एस टी, और कुछ इस टाइप से सब लोग यहाँ पर फ़ोटो वोटो सब क्लिक करा रहे हैं, और हम लोग इस टाइप से ब्लॉग करने के रास्ते आ रहे हैं। अभी मैं पूछूंगा कि भाई एफ एस का रास्ता बता दो, हम लोग को एफ एस जाना है। वीडियो मैंने के अंदर आना है, और यहाँ से मतलब फैशन स्ट्रीट स्टार्ट होती है, पर यहाँ से नहीं, उधर का जो मेन रोड है वही फैशन स्ट्रीट का है। तो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा देखते हुए जाते हैं क्या है क्या नहीं।
एफएस स्ट्रीट पे आए तो हम लोग को गोल्डन बॉय भी मिल गया। दोस्तों तुम लोगों ने देखा, हम लोग आए थे एफएस स्ट्रीट और तुम लोग को तुम्हारे भाई ने सिल्वर बॉय से मिला दिया। अभी तक तो भाई गोल्डन बॉय ही फेमस था, अभी सिल्वर बॉय भी आ गया, तो मैंने गोल्डन बॉय को देखा नहीं है, सिल्वर बॉय को आपसे मिला दिया। मेरा मेरा भाई है और अभी हम लोग फैशन स्ट्रीट आ चुके हैं। वो जो दिख रही है ना लाइटिंग की जो गली, वही फैशन स्ट्रीट है। तो तुम्हारा को बताता हूँ मैं कैसा है कैसा नहीं। और चलिए से तुम्हारा भाई फैशन स्ट्रीट में शॉपिंग कर रहा था और तुम लोग को सिल्वर बॉय से मिला। अभी तक पब्लिक खड़ी हुई है वहाँ पर, हम लोग पूरा एक घंटा घूमे वहाँ पर। अभी तुम लोग को एक चीज़ और बताता हूँ, देखो चांद को देखो कितना बड़ा हो गया ये। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे हैं कि सोहेल डी तो फैशन स्ट्रीट में था और वो तो बांद्रा में जाने वाला था, तो अभी यहाँ पर कैसे क्या आ गया। तो दोस्तों मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि मैं मेरे घर में आ चुका हूँ और अभी मैं मेरे जो हमारे घर में खाली स्पेस है उधर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ बाहर पे बैठ के। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप देना चाहूँगा कि आप अगर फैशन स्ट्रीट जा रहे हो तो आप लोगों के वास्ते मैं एक टिप देना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोगों की बार्गेनिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिकॉज वहाँ पर अगर आपको भावताव करना आता है तो समझ लो आप है ना अच्छी चीज़ सस्ते में ले लो। बिकॉज मैं जब गया था वहाँ पर तो मुझे उन्होंने शूज़ की प्राइस 5,000 और एक जगह 2,500 बोली थी, पर मैंने जब बार्गेनिंग की और तो उन्होंने मुझे 400 रुपये में वो चीज़ देने के वास्ते रेडी भी हो गए थे। पर मुझे वो चीज़ लेनी नहीं थी, मैं सिर्फ ट्राई करना चाहता था कि वो बार्गेनिंग में कितना झुक सकते। तो उस वजह से मैंने देखा तो वो लोग 400 में भी दे सकते। तो सबसे पहले आप लोगों को बार्गेनिंग स्किल आनी चाहिए, दूसरी बात आपको क्वालिटी की थोड़ी पहचान होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी नहीं, तो वो आपको एकदम ओरिजिनल जैसी दिखने वाली चीज़ भी आपको फेक में पहना देंगे। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग ये सब चीज़ों को देख के ध्यान रख के वहाँ पर जाके बार्गेनिंग और चीज़ को ख़रीदें। दूसरी बात वहाँ पर है ना कोई दुकान वाले नहीं क्या वीडियो शूट करने नहीं देते, तो बहुत मुझे परेशानी भी वीडियो शूट करने के लिए। तो आप लोग जितना हो सके थोड़ा केयरफुल होकर जाओ अगर वीडियो बनाने के लिए जा रहे होंगे तो। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आके मैं आपको मेरा पूरा सेटअप बताने वाला था कि मैंने वहाँ से क्या क्या चीज़ ली क्या क्या नहीं, तो बताने वाला था मैं, पर मैंने सोचा कि मैं मेरा सेटअप के वीडियो एक स्पेशली वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मेरे सेटअप की वीडियो को एक अच्छी बन जाएगी तो मेरे सब्सक्राइबर को स्पेशली सेटअप का कंटेंट देखने को मिलेगा। तो आप लोगों के वास्ते अगर आप मुझे कमेंट यस करोगे कमेंट में कि भाई सेटअप के ऊपर वीडियो बनाओ तो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, और तो कमेंट में यस करना। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को इतना शेयर कीजिए वीडियो को वायरल करवा दीजिए। एक बात हमें सोहेल डी हाथी पहुँच रहा था तक सोहेल। I have you now.